तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज आप लोगों को बताने वाले हैं एसएससी जीडी के रिजल्ट के बारे में, जो कि मेरे साथ एक कैंडिडेट भी हैं जिनका नाम है साहिद, और ये भी एसएससी जीडी मेडिकल को जो क्वालिफाई करके आए हैं, और इनके बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से प्रोसेस रहा है, कब इनका मेडिकल था। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे जाकर जरूर से ज्वाइन कर लें। 1600 से ज़्यादा लोग हैं और टारगेट फर्स्ट नाम से वो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे जाकर जरूर से ज्वाइन कर लें आगे के अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों मेरे साथ साहिद हैं, पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी मेरा नाम साहिद है और हम धनबाद से बिलोंग करते हैं। और मेरा डोमिसाइल वगैरह सारा कुछ धनबाद से ही है। और मेरा जो मेडिकल हुआ था वो ITBP रांची में हुआ था 23 तारीख को। किस कैटेगरी में आप? तो हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि 12 तारीख से मेडिकल चल रहा है। झारखंड में दो जगह मेडिकल सेंटर है, हजारीबाग है मीरू कैंप, और दूसरा सेंटर जो है वो ITBP कैंप। तो इन भाई का जो है ITBP कैंप पड़ा था, मेरे साथ ही पड़ा था, मेरा भी 23 तारीख को मेडिकल था, मेरा आपको रिव्यू मिल गया होगा। लेकिन इन भाई का भी पूछना चाहेंगे, आपका ये बता दीजिए मेरे दर्शकों को, ज़्यादा ये डाउट रहता है उनको जो जानना भी चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि आपका मार्क्स कितना था एग्ज़ाम में? जी एग्ज़ाम में मेरा मार्क्स 57 था, लेकिन नॉर्मलाइज होने के बाद 61 हो गया था। मतलब चार नंबर बढ़ा था? चार नंबर बढ़ गया था। अच्छा अच्छा, तो आप मेडिकल फिट हो गए हैं? हाँ अभी मेडिकल फिट है। तो कितने दिन तक आपका मेडिकल चला है? मेडिकल में मतलब मेडिकल में तो ऐसे एक ही दिन लगा, पहला दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया और सारा मेडिकल होना था वो भी हो गया। हाँ। और अगले दिन हम लोग को रिजल्ट दिया गया 4 बजे। 4 बजे दिया गया, मतलब कि 2 दिन का आपको प्रोसेस लगा उसके बाद क्लियर हो गया? हाँ 2 दिन का प्रोसेस लगा। अच्छा कितने बजे रिपोर्ट किए थे आप वहाँ पे? हम तो ऐसे वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम तो एडमिट कार्ड में लिखा था कि 7:30 बजे करके रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन हम लोग क्योंकि वहाँ पे बगल में ही रहते थे तो उसके लिए हम लोग पहले मतलब 6 बजे तक ही पहुँच गए थे और उसी समय से सब लोग लाइन लगा लिए थे, और सबसे पहले ग्रुप में हम ही लोग थे, मतलब सबसे आगे लाइन में लगे थे, और इसीलिए हम लोग का उस दिन जल्दी भी हो गया था और जल्दी छुट्टी भी हो गया था वहाँ पे। अच्छा सेंटर 1 या सेंटर 2 था आपका? हम लोग का सेंटर 1 था। सेंटर 1 था, तो और कौन सा टेबल था आपका? टेबल हम लोग का थर्ड टेबल था। थर्ड टेबल था। तो मेडिकल प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आपका मेडिकल हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ, और डॉक्यूमेंटेशन पहले हुआ होगा ना? हाँ, तो डॉक्यूमेंटेशन बताइए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पहले लेकर गए थे? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे हम अपने घर से तो सारा कुछ लेके ही गए थे, लेकिन जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे हमसे मांगा गया कि 10th का मार्कशीट, 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल और आधार कार्ड, बस ये 6 चीज मांगा गया, और ये सबका जेरोक्स मांगा गया, और बस इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के में डॉक्यूमेंट्स ये जनरल वालों के कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, जिनका भी डाउट था कि जनरल वालों का भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, वैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये आप डोमिसाइल लेके गए थे? हाँ सिर्फ डोमिसाइल लेके गए थे। और कहीं भी भारतवर्ष में कहीं जहां पर भी मेडिकल चल रहा है, करीब 32 या 34 ऐसे सेंटर है जहां पर मेडिकल चल रहा है एसएससी जीडी का, तो इन भाई का जनरल का था, जनरल में कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है। और बाकी जिस किसी को भी अगर डाउट है, और भी जगह 4 तारीख तक मेडिकल चलने वाला है, तो जिस किसी को भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट है तो प्रीवियस में आप एक वीडियो मिल जाएगा या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो को आप जाके वहां से देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और बताइए उसके बाद डॉक्यूमेंट आपका हुआ, उसके बाद और क्या हुआ आपके साथ? जैसे कि डॉक्यूमेंट में एक और चीज बताना चाहेंगे कि वहाँ पे आप कम से कम दो या तीन फोटो लेके जाइए, और जो वहाँ पे जेरोक्स मिलता है ना, सारा जेरोक्स में वो लोग अटेस्टेड कराते, मतलब साइन करवा लेते हैं, सेल्फ अटेस्टेड, उसमें सब में साइन कराना होता था। तो हम लोग का सबसे पहले ये हुआ कि हम लोग का 5 टेबल था, हम लोग के ग्रुप में 5 टेबल था, तो हम लोग 3rd टेबल में थे, तो हम लोग 3rd टेबल में 30 जन थे, तो 30 जन में 15 आदमी को पहले हॉस्पिटल लेके चला गया और 15 आदमी को हम लोग को सेंटर पर रखा। तो उस 15 आदमी में जो सेंटर पे रखा था वो हम लोग थे, तो सेंटर पे हम लोग को रखा तो मेडिकल करवाया गया। तो सबसे पहले हम लोग का आंख जांच किया, उसके बाद नौकनी वगैरह जांच किया। और नौकनी किस तरह से चेक कर रहा था, मतलब खड़े होकर चेक कर रहा था या लेटा के भी चेक कर रहा था? हम लोग के जो ग्रुप में थे वो लोग ऐसे खड़े होकर वी बना के चेक कर रहे थे वो लोग, और बाकी जो दूसरे ग्रुप में थे, दूसरे टेबल में थे, वो लोग का था कि अगर किसी पर डाउट हो रहा था तो वो लोग को लेटा के भी चेक कर रहे थे, बहुत तरीके से चेक कर रहे थे, अगर उनको डाउट होगा तो वो फिर जिस तरीके से भी चाहे उस तरीके से चेक कर लेंगे फिर। अच्छा अच्छा, और डाउट नहीं हो गया तो फिर ऐसे बिना डाउट का तो ऐसे ही आपको क्लियर कर देंगे देख के कि हाँ ठीक है। हाँ तो और जो भी लोगों का डाउट था ना कि वहाँ पे लोग पूछ रहे थे एल्बो में किस तरह से चेक हो रहा है, नौकनी एल्बो को स्केल लगा के चेक कर रहे हैं, किस तरह से चेक हो रहा है एल्बो के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो हम लोग का एल्बो में जैसे हम बताना चाहेंगे कि हम लोग में जो एक पंजाबी सरदार जी थे वो लोग इस तरह से चेक कर रहे थे कि उन्होंने कहा सबसे पहले कि हाथ को ऐसे करो, फिर ऐसे 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 करवाए, फिर ये करवाने के बाद बोले ऐसे करो, फिर ऐसे ऐसे करवाएं,
और फिर बोले कि ऐसे ऐसे करो, फिर रिवर्स में ऐसे करो, इतना करवाने के बाद दो कलाई चेक, कलाई वगैरह चेक की, उसके बाद फिर ऐसे हाथ हाथ ऐसे आगे से घुमाए, फिर ऐसे बोले कि हाथ ऐसे करके पीछे से घुमाओ, फिर कंधा पे हाथ रखे बोले ऐसे ऐसे करो, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो एक्सरसाइज ही करा दे रहे हैं हम लोग। तो उस तरह से हम लोग का एल्बो करके, मतलब ये जो होता है ना, ये चेक हुआ हम लोग का। और आईज किस तरह से चेक हुआ आपको, कौन सा चार्ट था वहाँ पे आई चार्ट? तो आई चार्ट वो जो चरखुट होता है ना, चरखुट जिसमें ए बी सी डी भी होता है और काखा का भी। ए बी सी डी जो होता है वो कौन सा चार्ट था, ए ओ एक्स वाला था? वो ए ओ एक्स वाला, ए ओ एक्स वाला था। तो सिर्फ इंग्लिश वाला ही चार्ट पढ़ा है आपको या फिर और भी कोई चार्ट? नहीं, हम लोग सारे टेबल में हम जैसे सुन पा रहे थे सारा में इंग्लिश तो पढ़ा ही रहे थे, बाकी जो सी का मुंह खुला होता है, इधर मुंह खुला है उधर मुंह खुला है, तो वो वाला पढ़ा रहे थे, और वन टू रहता वो पढ़ा रहे थे। अच्छा, ये चारों चार्ट जो है आपको आई चार्ट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, अगर आज किसी भी मेडिकल है वो इसको एक बार देख के आप लोग जा सकते हैं। और ये क्या बोलते हैं, टीथ के बारे में लोगों को बहुत सारा डाउट था कि टीथ में किस तरह से चेकअप हो रहा है। टीथ में तो मतलब जिस तरह से बहुत नॉर्मल चेकअप हुआ, ऐसे डाउट ही हमको नहीं लग रहा कि हम लोग के पूरे बैच में किसी को टीथ का मिला है करके। टीथ के एक मेरा दोस्त था, उसका टीथ तो ऐसे आगे पीछे करके था, पर उसको भी कुछ पॉइंट नहीं मिला। टीथ नॉर्मली चेक हो रहा था, हम भी अपना मतलब भरवा के, लेकिन इधर हम यहाँ पे मेरा वो क्या बोलते हैं, खोंडर बोलते हैं, गड्ढा हो गया था, तो वहाँ पे हम भरवा के गए थे, तो फिर उतना मैटर ही नहीं किया उधर, बस देखा करके हाँ ठीक है हो गया करके, मतलब कैप अप लगाने से चल जा रहा था पास। हाँ, वहाँ पे चल जा रहा था हम लोग के सेंटर पे। तो और मतलब ओवरऑल आपको किस तरह एक्सपीरियंस किस तरह से लगा, आप लोग जो मेडिकल हार्ड हुआ, मीडियम हुआ या फिर टफ हुआ या फिर इजी था? वो उस तरह से अगर हम अपना पर्सनल रिव्यू देना चाहेंगे तो उसमें 50-50% था करके, कि 50% बच्चा पास, 50% बच्चा फेल। हाँ। और ऐसा नहीं किसी को लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे। हाँ। तो ऐसा हम लोग को लग रहा था कि कोई लड़का कंफर्म फेल होने वाला है। हाँ। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, वही पास कर गया, जो लग रहा था पास होने वाला है। हाँ। वो फेल कर गया, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कौन पास कर सकता है कौन फेल कर सकता है, यहाँ पे आप में जो है तो वो है ही, बाकी किस्मत भी आपका बहुत डिपेंड करता है कि आपका किस्मत कैसा है। अच्छा, तो रेशियो मतलब आप जो बताएं वो 50% का रेशियो रहा। हाँ, मतलब डीएमई में। हाँ, डीएमई में जैसे हम लोग का जिस टेबल में था उसमें हम लोग 30 जन थे ना, तो 16 जन पास हो गए और 14 जन का रीमेडिकल दे दिया। बाकी दूसरे टेबल में हुआ कि 14 जन पास कर गए, 16 जन का रीमेडिकल, मतलब कि 50% का रेशियो रहा है आईटीबीपी कैंप में। और अलग अलग सेंटर पर रेशियो अलग अलग रह रहा है, जैसे कि हजारीबाग में सेंटर, जैसे दो सेंटर हमने कवर किया, हजारीबाग और आईटीबीपी, तो हजारीबाग में जो सेंटर का अपडेट था वो काफी अच्छा था, वहां पे 30 में से 25 बंदे 26 बंदे जो है वो क्वालिफाई हो रहे थे एक बार में ही, बाकी रीमेडिकल जा रहा था। और आंख में जिसको रीमेडिकल दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कोलकाता सेंटर पे, कोलकाता भेज रहे हैं। और बाकी जो भी सेंटर, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, चाहे वो वेंस में हो, चाहे वो हाथ में हो, नुकनी हो, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उसी सेंटर पे मिल जा रहा था अगले दिन, 24 आवर्स अगले दिन, अगले दिन ही आप लोगों को रीमेडिकल मिल जा रहा है। और कुछ और बोलना चाहेंगे कि जो भी मेडिकल देने जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में तो मेडिकल खत्म हो गया है 24 तारीख तक, और भी बहुत ज्यादा जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जगह मेडिकल चल रहा है, तो उन बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? जैसे कि हम अपना सेंटर का अगर आप लोगों को बताएं कि अगर रीमेडिकल दे रहा है तो आप ऐसा मत सोचिए कि अगला दिन दे रहा है तो अगला दिन क्लियर कर दे रहा है। थोड़ा सा झेलन हो जा रहा है कि मतलब अगला दिन बुला रहा है तो उसके उस दिन भी क्लियर नहीं कर रहा, उसके फिर अगला दिन बुला दे रहा है, मतलब चांस दे रहा है वो लोग, और उसको अगला दिन करके मतलब सप्ताह दिन का आप लोग अगर रीमेडिकल दिया तो मतलब 3-4 दिन 5 दिन करके आप लोग सोच के जाइए कि इतना दिन लग सकता है, जरूरी नहीं उतना दिन लगे पर लग सकता है। एक कुछ ऐसे भी कैंडिडेट रहे हैं जो कि जहाँ पे हम लोग रह रहे थे वहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो कि जिनको 8-8 दिन तक लग गया है मेडिकल में, तो वो फ्रस्ट्रेशन आप लोगों को नहीं, फ्रस्ट्रेट आपको नहीं होना, अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप रीमेडिकल देने जाइए, बिल्कुल जाइए। रीमेडिकल का रेशियो जो है ना आईटीबीपी का रांची में वो काफ़ी अच्छा है, उसमें 70-80% जो है कैंडिडेट जो है रीमेडिकल में वो क्वालिफाई कर जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये खुद का एक्सपीरियंस भी है और ये भाई भी आए हुए हैं और ये भी आपका मेडिकल देखे हैं, ये तो एक बार में क्लियर हो गया है, दो दिन में इनका मेडिकल क्लियर हो गया पूरा। हाँ, और कुछ सेंटर है जैसे कि वेस्ट बंगाल का कल्याणी सेंटर है जो कि सबसे घटिया सेंटर के बारे में आपको बताया है, और ये आपका वीडियो मिल गया होगा, अगर जिस किसी को कल्याणी सेंटर है वो नीचे एक बार कमेंट करके बताएं कि अभी वहाँ पे क्या अपडेट है, वहाँ पे किस तरह से मेडिकल चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल लेने में 6-7 दिन का समय भी लग जा रहा है। तो सब मेरी नज़र में अभी जितना भी 6-7 सेंटर का हम रिव्यू लिए हैं तो सबसे घटिया सेंटर है वो कल्याणी का है, जो बीएसएफ कैंप कल्याणी में है वेस्ट बंगाल में, ये सबसे घटिया सेंटर है। और जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर वो मेडिकल क्वालिफाई कर चुके हैं तो वो पोल में जरूर पार्टिसिपेट करें, आपको चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में आपको पोल मिल जाएगा, आप वहाँ पे अपना नंबर को जरूर से बताएं कि कितना नंबर आपका ज़्यादा है। और जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? और कुछ एक हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी को आईटीबीपी में है रांची में और वो सोच रहा है कि डॉक्यूमेंट में उनको कोई दिक्कत होने वाला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्यूमेंट वो लोग बहुत ईजी चेक कर रहे हैं, और कुछ भी हो रहा है तो कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही दे रहे हैं। हम लोग के टाइम पे हुआ था एक ऐसा लड़का था ना, वो सिर्फ अपना 10th का एडमिट कार्ड लेके आया और कुछ लेके ही नहीं आया, 10th का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके आया और कुछ लेके ही नहीं आया था, फिर भी उसको मौका मिला, बोला कि ठीक है आपको इस डेट को देते हैं, आप इस डेट को फिर लेके आ जाइए करके। और एक लड़का था जिसका क्या हो रहा था कि फिंगर मतलब वो था ना ये कर रहे थे वो मैच नहीं हो रहा था, तो वो लोगों को क्या किया गया कि पूरा ऐसे ना
मतलब पूरा इधर दस उंगली का फिंगरप्रिंट बार बार लिया गया वो लोग से, मतलब किसी भी तरह से वो लोग को करा ही दे रहे थे, डॉक्यूमेंट्स में मतलब किसी तरह से छाटा नहीं जा रहा था आईटीबीपी में। तो देखिए ऐसा अलग अलग सेंटर पे अलग अलग, लेकिन हजारीबाग में जो है कि डॉक्यूमेंट्स लेके काफी छाटा गया था पहले दिन, लेकिन यहाँ पे है कि देखिए प्रिफरेंस हर जगह कुछ ना कुछ दिया जाएगा और कुछ ना कुछ आप लोगों को टफनेस भी किया जाएगा। तो यहाँ पे मेडिकल में थोड़ा सा टफ हो रहा था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो था वो बहुत ईजी था। डॉक्यूमेंट्स आप पुराना भी लेके जा रहे तो चल जा रहा था, एसडीओ लेवल का नहीं भी है, सीओ लेवल का है तो वो भी चल जा रहा था। ऐसे कई कैंडिडेट है जो सीओ लेवल का लेके गए थे, अपना डोमिसाइल जाति भी लेके गए थे, उनका भी मान हो गया था। लेकिन कुछ सेंटर पे है जो एसडीओ का ही मांग रहे थे और रिसेंट का मांग रहे थे। तो अलग अलग सेंटर पे अलग अलग रिव्यू है, आप जिस भी सेंटर पे जा रहे हैं उसका एक बार रिव्यू आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे सेंटर का हम रिव्यू डाले हुए हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे, जितने भी लोग हैं जो भी अभी जिनका मेडिकल बाकी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके जाएं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि आप में अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उस प्रॉब्लम को जब भी आपका चेक हो वो प्रॉब्लम के लिए उस पॉइंट पे चेकअप हो तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस के साथ रहिएगा, जो भी आपसे पूछा जाए वो कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा। और एक हम खुद का अपना एक्सपीरियंस देते हैं, अगर किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस आपको सर्जरी है तो वो सर्जरी के बारे में आपको नहीं बताना है, ये बात है कि नहीं बताना, ये बताना नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए हम मेडिकल देने गए थे कि खुद भी एक्सपीरियंस कर सके। हम इससे पहले भी हम दो मेडिकल एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन ये तीसरा मेडिकल था मेरा। तो वहां पे आपको सर्जरी के बारे में, चाहे वो 2 महीना पहले हुआ हो आपका या 2 साल पहले हुआ हो, सर्जरी के बारे में आपको वहां पे बताना ही नहीं है। सर्जरी के बारे में बता दीजिएगा तो आपको पॉइंट 100% वहां पे लिख दिया जाएगा। हालांकि वो रीमेडिकल में क्लियर हो सकता है, लेकिन आप वहां पे आपको नहीं बताना है सर्जरी के बारे में। अगर वो पकड़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ते हैं तो कोई बात नहीं। पकड़ाने लायक है तो फिर पूरा दिख ही रहा है कि पकड़ाने लायक है तो बता सकते हैं, लेकिन अगर लग रहा है कि छुप सकता है तो छुपा लेना ही बेहतर है। तो ये सब है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ टिप्स है जो आप अपना सकते हैं और मेडिकल को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो एक जरूर से लाइक कर दें। और रेशियो यहाँ पे रहा है जो वो, यहाँ तो रेशियो खत्म हो, यहाँ तो अब खत्म हो गया है, रेशियो 50-50 का रहा था यहाँ पे आईटीबी कैंप में, यहाँ मेडिकल खत्म हो गया। और जिनका ये बात बता रहे हैं कि जिनका जो आधार कार्ड से फी लेके आए थे और एडमिट कार्ड लेके आए थे, उनको 26 तारीख को दिया गया है डेट। डेट के बारे में बता दें, डेट के बारे में भी पता है, जबकि 24 तारीख को हमारा मेडिकल खत्म हो गया हजारीबाग और रांची में, लेकिन उनको जो डेट दिया गया है वो 26 तारीख को डेट दिया गया है, मेडिकल खत्म होने के बाद भी उनको डेट दिया गया है डॉक्यूमेंट्स के कारण। तो ये सब है जो रिलैक्सेशन है यहाँ पे, अलग अलग सेंटर पे है, कहीं कहीं पे नहीं भी दिया जा रहा है, वो कैंडिडेट जो है शिकायत करेंगे। बाकी कैसा लगा है वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। अगर आपका मेडिकल हो गया है तो नीचे जरूर लिखिएगा कि आपका मेडिकल कब था, किस सेंटर पे था, और अगर आपका मेडिकल होने वाला है तो फिर भी आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपका मेडिकल कब है और किस सेंटर पे है। और हो सके तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे आपको स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, आप वहाँ पे हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपको हम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कितने मिनट का हो गया हो?